ये देखो मस्जिदुन नबी तुम्हारे सामने है। इब्ने उमर, मोहम्मद मस्जिद में है या नखलिस्तानों में? कहीं नहीं, बयाबानों में पनाह गुजीर मक्कियों के हाल चाल मालूम करने तशरीफ ले गए हैं। रसूलल्लाह। नहीं, रुकोगे? जोहर तक। बताया नहीं तुमने कि ऐसे बाप और ऐसे दोस्त के होते हुए मैं मुसलमान हूं? अगर तुम पैगंबर के फर्जंद भी होते तो दूसरों पर कोई फजीलत नहीं होती। तो नहीं हूं। अपने बातिन में देखो, अगर तुम्हारे दिल में मोहम्मद की मोहब्बत है तो हो। है, खुदा की कसम दिल में है। चल, हट, चल, चल। ये कौन सी शर्त लगा दी माँ? आपको पता है मदीना कितना दूर है? इसके अलावा सहरा, धूप, गर्मी, प्यास, पानी की कमी। मदीना सुबह पहुँच जाए, जोहर होते लौट आए। अगर ये शर्त ना लगाती तो वो शायद एक महीना भी रुक जाता। मोहम्मद का जमाल हम सबको भुला देता। मैंने कहा था सुबह से जोहर तक अगर चाहे तो एक हफ्ता ठहर जाए। वो आएंगे क्या माँ? मेरी तो आंखें नहीं कि अपने आका की जियारत कर सकूं। मैं तो सिर्फ ओवेस की आंखों से ही अपने आका की जियारत कर सकती हूँ। Thank you.
ओए भटके हुए बयाबानी, तुमसे कह रहा हूँ, मैं अबू सबरे जौफी हूँ, बनी जौफी कबीले का सरदार, और ये मेरे बेटे हैं। तुम यमनी हो? जानता हूँ, सब मुझे ऐसे ही ताकते हैं जैसे तुम ताक रहे हो। क्या करूं? मेरे बेटे अजीज और सबरे ऊंट पर बैठते हैं दोनों, और मैं कबीला जौफी का सरदार गधे पर बैठता हूँ। गधे पर मैं काफी सालों से इस फोड़े के दर्द के मारे तड़पता रहता हूँ। मैं घोड़े या ऊंट की मेहार तक थाम नहीं सकता, थक गया हूँ, गधे पर बैठना पड़ता है। तुमने रसूल को देखा है? किसी तबीब से तो इसका इलाज ना हो सका, क्या रसूल इसका इलाज कर सकते हैं? हाँ? चल ए हैवान चल। अजीब किस्म का क्या तुम्हें पता है कि यसरिब में खुरमे की मंडी का उतार चढ़ाव कैसा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे? मुझे जाना होगा, अबू सबरे और उनके बेटे मदीने से लौट आए हैं। कई बार ये बात कह चुका हूँ, लेकिन मोहम्मद के चाहने वालों के इसरार पर फिर से कह रहा हूँ। जब हम यसरिब पहुंचे, मोहम्मद वहां नहीं थे। नहीं मालूम मुसलमानों ने अपनी नमाज जोहर किसके पीछे पढ़ी, लेकिन मोहम्मद वहां नहीं थे। और जिस वक्त जोहर का तपता हुआ सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, हजरत तशरीफ लाने लगे, दरे मस्जिद पर अभी पहुंचे भी नहीं थे कि वो फरमाने लगे, मैं यहां एक नूर देख रहा हूं और जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूं।
हजरत ने फरमाया, ये उसका नूर है जो हमारे लिए तोहफा छोड़ गया, और यमन के जानिब रुख करके कहा, हाँ हाँ वो मेरा भाई है। ओवेज, वो ओवेज था। फिर यमन के जानिब रुख करके फरमाया, मैं यमन के जानिब से उसकी खुशबू को महसूस कर रहा हूँ, मैं अबू सबरा जौफी उसे ढूंढ निकालूंगा, वो यमन का इफ्तिखार है, मैं दिन रात शहर शहर गली गली भटक कर उसकी तलाश करूंगा। अहले यमन की इज्जत और शराफत इसी में है कि उन्हें सर का ताज बना लें। जाकर कह दो कि उसे पहचानते हो और पता भी जानते हो, जाओ। सुनो एक और बात, पैगंबर ने मेरे बेटे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इसने कहा अजीज। पैगंबर ने फरमाया कि सिर्फ खुदा ही अजीज है, और मेरे बेटे का नाम अब्दुल रहमान रखा। मेरी बात सुनो, ऐ लोगों, अपनी आंखों से देख लो रसूले खुदा के एजाज को। अबू सबरा के हाथ का वो बरसों पुराना फोड़ा कहाँ गया? गायब हो गया, किसी तबीब से उसका इलाज ना हो सका सिवाय पैगंबर के। पैगंबर ने मेरे हाथ पर एक निगाह डाली, उसके बाद एक लकड़ी उस पर फेर दी, बस यसरिब से यमन नहीं पहुंचा था कि ये ठीक हो गया, दूसरे सालिम हाथ से भी सालिम तर। मेरे बच्चे, मेरा घराना, मेरा कबीला, मेरा जान माल, मेरा सब कुछ मोहम्मद पर निसार, कुर्बान है मोहम्मद पर। क्या चाहिए बेटा? जानना चाहते हो ओवेस कहाँ है? सलाम हो ओवेस पर। सलाम हो आप पर। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। ये किसका जश्न है? यह जश्न कबीले बनी जौफी के इस्लाम लाने की खुशी में रखा गया है। हमने देखा अगर ओवेस शामिल ना हो तो यह जश्न जश्न नहीं, इसीलिए
इन नाचीज हदियों के साथ आपके दर पर आ गए और आज से ओवेस हमारे कबीले से हैं। जब तक अबू सबरे जिंदा हैं, इस कबीले की सरदारी करो। और अब मैं ऐलान करता हूं कि आज से ओवेस का नाम ओवेस जोफी है। मैं कह चुका हूं और आज सारे अहले यमन ये जानते हैं जो रसूल अल्लाह ने ओवेस के बारे में फरमाया। और मैं अबू सबरे जोफी मस्जिद तामीर करवाऊंगा बनामे ओवेस जोफी। मस्जिद रसूल अल्लाह के मुबारक नाम पर होगी। आइए, जश्न आप ही का जश्न है। अगला शख्स। आज रात भी नहीं रुकोगे? आज चांद जमीन के बहुत करीब है। बयाबान को देखा? तालाब गोया दूध से छलक रहा है। आज की रात सजदे की रात है। माँ, ऐसी रातों में इबादत करने का मजा ही कुछ और है। आज का चांद और रातों से बहुत अलग है। किसी चीज का इंतजार कर रही हूं। मैं इंतजार से मायूस हो चुकी हूं। तुम ही कहती हो कि एक शख्स यसरिब में बैठा आसमानों के उस पार की बात तुमसे आगाह है कि एक बेटा अपने बाप को कत्ल कर देता है और एक शख्स यहाँ यमन में बिना देखे उसका आशिक हो जाता है। और बाजान जो कि गुरूर का एक पहाड़ है उसके सामने थरथरा जाता है और घुटने टेक देता है, यहां तक मुसलमान हो जाता है और उसकी इताअत में यसरिब एक फौज रवाना कर देता है। और मैं हारिस इब्ने हिमगरी। हारिस यमन का बादशाह, उसकी क्या हैसियत है? तुम हमेशा मुझे जलील करती हो और हमेशा बाजान को मुझ पर तरजीह देती हो क्योंकि वो ईरानी है। मैं हमेशा इज्जत को जिल्लत पर तरजीह देती हूँ क्योंकि बेहतर है। तुम क्या चाहती हो? दूसरों के साए तले न रहो। एक कासिद ईरान भेजो और शिरुए को मुबारकबाद का पैगाम दो। एक कासिद मक्का रवाना करो और कुरेशियों के साथ मुआयदा कर लो। लेकिन इन सब के पहले बाजान को खत्म कर दो।
सलाम। सलाम। हिम्मत रखो जवान। जोशादे का ख्याल रखना उबल के गिर ना जाए। ठीक है। तब तक मैं ये आखिरी दरी मुकम्मल कर लूं। एक बूढ़े गधे के बदले 3-3 दरी? कम है? कम है? आप उस गधे पर बैठे भी थे या नहीं? ओवेस। जी माँ। जुबेर कहा गधा करने को इबादतों पर, तुम उसको तरजीह देना सिवाय वाजी बात के। ओवेस, किसी का हक तुम्हारी गर्दन पर न रह जाए। जरूर माँ। मैं देखता हूँ। ओवेस, सलाम हो आप पर। सलाम हो ओवेस पर, वो लोग जो यसरिब से आए। मदीना। खबर लाए हैं कि रसूल खुदा ने मक्का को फतह करने का इरादा किया है। बहुत बड़ी जंग होने वाली है। मेरी जान रसूल खुदा पर कुर्बान, वो जो अज्म करते हैं जरूर बजा लाते हैं। और उसके बाद? अमीर बाजान ने आप पर सलाम कहलाया है और दरख्वास्त की कि आप महल में आए और ये बताएं कि यमन से कितना लश्कर यस मदीना भेजना चाहिए और कैसे, सवार और प्यादे, कितने घोड़े, कितने ऊंट, ताकि ओवेस की सरदारी में मदीना जाए। ओवेस की माँ ज़ईफ और बीमार है। बाजान अभी हकीम है, बेहतरीन तबीब को आपकी वालिदा के लिए भेज सकता है। माँ को तबीबों से ज्यादा ओवेस की जरूरत है। माँ को अपने ओवेस के बिना न रातों को नींद आती है न दिन को चैन। अबू सबरा भी महल में थे। मस्जिद के बारे में कुछ नहीं कहा? कहा, फतेह मक्के की मुहिम तमाम होते ही मस्जिद का भी काम तमाम हो जाएगा। आप तो अबू सबरा को जानते हैं। कहा कि सारे यमानी ओवेस की इमामत में नमाज अदा करेंगे और फतेह का जश्न मनाएंगे।